G20 सम्मेलन से पहले जो बाइडेन का बड़ा बयान, बहुत महत्वपूर्ण बयान, बहुत ध्यान से देखिएगा। मिड टर्म इलेक्शंस में वो नहीं हुआ जो रिपब्लिकन चाह रहे थे। जो बाइडेन बहुत उत्साहित है और अब क्या कह रहे हैं, चीन के साथ युद्ध नहीं बल्कि मुकाबला चाहते हैं। मुकाबला, हम निष्पक्ष व्यापार समेत कई मुद्दों पर करेंगे बातचीत, परमाणु हथियार और उससे जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी, बाइडेन ने कहा। क्या ये ट्रंप के मुकाबले कंपैरेटिवली सॉफ्ट अप्रोच दिखाता है चाइना की तरफ? ट्रंप, आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि एनिमी नंबर वन इज चाइना, और अब ये कहा जाना यहां पर कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम मुकाबला चाहते हैं। मतलब कंपटीशन की बात कही जा रही है, शायद स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है। लेकिन चाइना से इस तरीके की बातें करना क्या असल में रेत में पानी डालने जैसा है? अगली अहम खबर देखिए, बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे पुतिन। पुतिन ने यह बात स्पष्ट की, रूसी दूतावास ने दी पुतिन के शामिल नहीं होने के बारे में जानकारी। पुतिन की जगह अब विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव लेंगे हिस्सा। रशिया का रिप्रेजेंटेशन होगा लेकिन पुतिन के जरिए नहीं, सर्गेई लावरोव के जरिए। ज़ेलेंस्की भी लेंगे G20 सम्मेलन में हिस्सा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था पुतिन आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। पुतिन नहीं आ रहे हैं, यहां से ज़ेलेंस्की जाएंगे, ज़ेलेंस्की वहां पर होंगे, लावरोव वहां पर होंगे, हिंदुस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री वहां पर होंगे और बाइडेन वहां पर होंगे। तो क्या होने वाला है G20 में? एक अपॉर्चुनिटी जो मिड टर्म में खो दी गई, वो अपॉर्चुनिटी क्या G20 में आगे दिखाई दे रही है? आशीष, ये भी मैं समझूंगा, क्योंकि समझा जा रहा है कि मिड टर्म में एक अपॉर्चुनिटी असल में चली गई। अब अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच G20 सम्मेलन पर लगी पूरी दुनिया की निगाहें। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शिखर सम्मेलन में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए इसको। G20 की अध्यक्षता भारत के पास दिसंबर में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान के पास 1 महीने के लिए, और ये भी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं, वहां पर भारत की अध्यक्षता जारी है। इन तीनों जगहों पर भारत का इस भूमिका में होना, दिसंबर का महीना कितना क्रूशियल, ये भी समझूंगा अपने मेहमानों से। खैर, सॉन गेम इज ऑन। जरा देखिए ये महत्वपूर्ण विवेचना, बिग वॉल की तरफ आइए जरा, इन खबरों के बाद इस बिग वॉल की तरफ आपको लेकर आता हूं। खैरसोन में इज द गेम ऑन। इस सवाल के बीच में जरा ये भी देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 15 और 16 नवंबर को जो कि बाली में होने वाला है, पूरी दुनिया की निगाहें इसमें लगी हुई है। पुतिन नहीं जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, लेकिन बाइडेन वहां होंगे, ज़ेलेंस्की वहां होंगे, सर्गेई लावरोव वहां होंगे, एक मंच पर नजर आ सकते हैं ज़ेलेंस्की, लावरोव और बाइडेन। पुतिन की जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अब यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती, G20 से बड़ी उम्मीदें। सम्मेलन में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, और ऐसे में जब पूरी दुनिया यह सोच रही है कि शायद पीस के मामले में, शांति के मामले में, उसमें मध्यस्थता के मामले में भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा, जो सिनेरियो बन रहा है, जो वॉर फ्रंट पर सिनेरियो बन रहा है, और जो 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 आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल इस समय जो डायनेमिक्स बन रहे हैं, उसमें क्या आगे होता हुआ दिखाई देता है, उस पर चर्चा करें। यहां पर देखिए, भारत पर दुनिया की निगाहें क्यों है, यूक्रेन युद्ध में भारत का रोल यह देखा जा रहा है कि भारत अगर कोशिश करे तो पुतिन भी बात मान सकते हैं और शायद इस युद्ध का पटाक्षेप हो सके। नंबर 2, भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि हम बेशक इस दुनिया में एक अलग देश है, लेकिन ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर न जाने कितनी बार वसुधैव कुटुंबकम के बारे में जोर देते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से ये बात कही हुई है। दिस इज वन वर्ल्ड, ये भारत सबको अपना परिवार मानता है। नंबर 3, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, और इस समय भारत की इस आर्थिक ताकत को और तेजी से बढ़ती आर्थिक माइट को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और इसको खातिर में लाना होगा। ये वो वजह है, और इसकी वजह से क्या होगा देखिए, हर एक जगह से चीजें परकोलेट भी कर रही हैं। नंबर 1, G20 की अध्यक्षता यहां पर मिलने वाली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी दिसंबर के महीने में, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता आप जानते हैं जारी है। इन तमाम चीजों का कितना असर पड़ेगा, और इसका असर रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में क्या दिखने वाला है? भारत के पास आर्थिक, राजनीतिक और राजनयिक ताकत है। अमेरिका ने हाल ही में यह बात, कल ही यह बात कही है, नेट प्राइस ने यह बात कही कि भारत इस समय बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। जयशंकर की अपनी बातें जो उन्होंने वहां रशिया में मुलाकातों के बाद कही थी, उसको दोहराया गया, और अमेरिका ने यह कहा कि भारत इस समय हर तरीके से एक सक्षम और संपन्न देश है, खास तौर से जब मध्यस्थता की बात आती है, और यह देखना आने वाला भविष्य भारत का है। पुतिन भी इस बात को दोहरा चुके हैं। अब अगर हर जगह से ये एहतराम मिल रहा है, ये बात, ये इस बात को स्वीकारा जा रहा है, ऐसे में मौजूदा सरकमस्टांसेस में
क्या आगे अनफोल्ड होता हुआ दिखाई देता है? आशीष बहुत जल्दी से देखिए, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इंडिया की इंपॉर्टेंस देखें तो लगातार मैसेजिंग दी जा चुकी है स्पेसिफिकली रशिया की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अगर किसी एक नेता को चूज किया था जिसे उन्होंने सबसे पहले कहा था वो था समरकंद में एससीओ के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन वेस्ट नहीं चाहता कि कोई भी भारतीय नहीं कोई भी मध्यस्थता करे क्योंकि दुकान नहीं चलेगी। राइट राइट राइट, वो दिखाना चाहते हैं लेकिन होने नहीं देना चाहते।